यूपी की रामपुर लोकसभा सीट जो कभी सपा का गढ़ रहा करती थी, यहां पहले चरण में इस बार वोटिंग होनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक वहां से उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस चुनाव में ये सीट अखिलेश यादव के लिए अब चुनौती बन गई है, क्योंकि इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने उनके सामने मुश्किल जो खड़ी कर दी है। वो कैसे, वो जानने के लिए उस नेता का नाम तो सुन लीजिए। रामपुर में सपा मुखिया की मुश्किलों को बढ़ाने वाले नेता का नाम है मोहम्मद आजम खां। जी हाँ, वो आजम खां ही हैं जिन्होंने अखिलेश को दुविधा में डाल दिया है कि अब वो कहां से चुनाव लड़े। दरअसल आजम खां ने सीतापुर जेल से अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा, पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में जिंदगी के दिन काट रहा है। पिछले कुछ समय में रामपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना जरूरी है। इस सब के बाद रामपुर आता है, रामपुर कौन जीतेगा? आजम की चिट्ठी के बाद रामपुर से पार्टी नेताओं ने आजम खान को पुरजोर समर्थन किया है और कहा कि अगर अखिलेश वहां से चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने 22 मार्च को सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी और रामपुर के सियासी समीकरण के बारे में बात भी की थी। हालांकि क्या बात हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की थी। इस बीच सूत्रों से ये भी खबरें आ रही हैं कि रामपुर से अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार सकते हैं। पिछले चुनाव में आजम खान ने रामपुर से जीत दर्ज की थी, लेकिन हेट स्पीच मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की। आजम के गढ़ में बीजेपी की जीत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।